शुक्रवार को दिन निकलते ही एक गांव में चोरी की कई घटनाओं से हड़कंप मच गया। दरअसल पुरकाजी थाना इलाके के फलौदा गांव में देर रात्रि चोरों ने रिटायर्ड आईटीबीपी के जवान सुरेश चंद्र त्यागी व विनोद त्यागी और शुभम त्यागी सहित पांच घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए इलाके में सनसनी फैला दी। बता दें कि मकानों को निशाना बनाते वक्त अज्ञात शातिर चोरों ने कई मकानों से 50,000 की नकदी और लाखों के जेवरात चोरी किए। बहरहाल जैसे ही सुबह पुलिस को कई मकानों में चोरी होने की सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया और पीड़ित परिवारों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए मामले की कार्रवाई शुरू की। सुबह थाना पुरकाजी क्षेत्र में सूचना आई थी कि रात में एक घर में चोरी हो गई है, और जिसकी सूचना मिलते ही तत्काल थाना पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी और जो घर के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनसे जानकारी की जा रही है कि क्या क्या लोग क्या क्या सामान चोरी हुआ है, उसके आधार पर उनके उनसे तहरीर प्राप्त करके मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और आगे की अभिविधि कार्रवाई पर चलते हैं। सर आपका नाम? शुभम त्यागी। गाँव? फलौदा जी। सर मामला क्या हुआ है विस्तार? सर रात चोरी होगी तो उसमें एक तो गले का सेट था, तीन गुंठी सोने की थी, एक मंगलसूत्र था, चुकती पजेब थी, 50,000 रुपये कैश था और चांदी के कंगन से थे, चांदी के सिक्के थे कुछ, एक मम्मी की चैन थी 2.5 तोले की। एक अलग कितना नुकसान है आपको? 5-5.5 लाख रुपए का नुकसान। कितने बजे घटना है? 2-2.5 बजे की। तो आप सोते थे, सोते रह गए? नहीं जी, हम तो पता ही नहीं चला। तो सूचना दिया तो? हाँ जी, सबको दे दी। और भी कोई घटना हुई है गांव में? सड़क पर हुई है 2 घर और। क्या कार्रवाई? उनका पता लगना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।